करते हैं होटल रेस्टोरेंट में कैसे चिली चिकन मांग सकते हैं और इंडियन चिली चिकन। हम इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। मैं हूँ राजीव, कल नया नया डिश लेके आता हूँ। हम ले लिया चिकन, चिकन को इसे बोनलेस चिकन को इसे पीसेस काट लिया, आपको जितने पीस चाहिए काट लेना। उसके बाद सेलरी चॉप कर लिया, सेलरी उसको अच्छे से चॉप कर लिया, उसके बाद अनियन चॉप कर लिया, करने के बाद जिंजर चॉप, उसके बाद गार्लिक चॉप और ग्रीन चिली चॉप कर लेना है। उसके बाद कैप्सिकम डाइस कर लेना है, उसके बाद ग्रीन चिली को डाइस कर लेना है, काटने के बाद आनियन को डाइस कर लेना है, काटने के बाद हरा प्याज को डाइस कर लेना है, उसके बाद हरा प्याज को थोड़ा चॉपिंग कर लेना है। देखो तो उसके बाद चिकन को कॉर्नफ्लावर और मैदा दे के पोटिंग कर लेना है बटर माउथ दे के। उसके बाद बटर कैसे बनाना है वो बता देंगे, उसके बाद थोड़ा साल्ट और पेपर ऐड कर देंगे। देखते हैं, उसके बाद ऑयल में फ्राई करेंगे, तो फ्राई होने तक अवॉइड करना पड़ेगा आपको, अच्छे से कुक होना चाहिए, ज़्यादा मत कड़क मत फ्राई करिए, चिकन सॉफ्ट होना चाहिए। उसको ऐसे थोड़ा सा हिला देना होगा, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा चिकन पूरा। आपके सामने बना रहा है और लाइव बना के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं होटल रेस्टोरेंट में ऐसा बनता है। देख सकते हैं आप ऐसा कलर आया चिकन का। उसके बाद हम मसाला मारेंगे, उसके बाद देते हैं गार्लिक, उसके बाद जिंजर चॉप, उसके बाद डालेंगे ग्रीन चिली चॉप, उसको थोड़ा हल्का सोटे कर लेंगे। हल्का सोटे करने के बाद उसके बाद हम डालेंगे आनियन चॉप, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डालना है। अनियन को अच्छे से सोटे कर लेना है, सोटे करने के बाद थोड़ा ऑयल चाहिए तो ऑयल दे देना, देने के बाद आप उसमें डालेंगे ग्रीन चिली, उसके बाद डालेंगे कैप्सिकम अनियन डाइस डाल दिया, उसके बाद अच्छे सोटे हल्का सा थोड़ा सोटे कर लेंगे। देख सकते हैं ऑयल ज़्यादा नहीं देने का, ऑयल देने से खाने के टाइम में ऑयल चिप चिप रहेगा। तो थोड़ा सा चिल्ली सॉस डाल दिया, रेड चिली सॉस कैसे बनाता है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और डिस्क्रिप्शन स्टॉक वाटर दे सकते हो, प्लस पानी भी दे सकते हो। स्टॉक वाटर ज़्यादातर टेस्ट के लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद नमक डालेंगे, थोड़ा शुगर डालेंगे, लाइट थोड़ा शुगर डालेंगे, उसके बाद पेपर डाल देंगे, उसके बाद सोया सॉस डाल देंगे। और स्वीटनेस के लिए शुगर डाला, शुगर नहीं डालना चाहिए, तो हम स्वीट थोड़ा हल्का स्वीटनेस चटपटा रहेगा तो खाने में मज़ा आएगा। उसके लिए डाला और हरा प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए थोड़ा हल्का सा मिक्स, उसका टेस्ट कर लेना है नमक बराबर ऐसी बराबर है कि नहीं, अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद चिकन ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद अच्छे से हल्का सा मिला अच्छे से मिला लेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा तो वाला भी नहीं है, आप स्लाइसर देख के अच्छे से मिला लेना है। घर में जैसे बनाते हो इसे बना लेना, आपको इसे ईजी होगा। और चिकन का मिक्स होना चाहिए बस उतना ही, सॉस के अंदर चिकन का मिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है इसे हिलाने का। उसे ड्राई कर लेंगे हम, जैसे फुल ड्राई कर लिया चिली चिकन, ड्राई खाने में मस्त लगता है। अब देखे तो कलर कितना औसम आया, खाने में कितना मज़ा आएगा, हमें देख के मुँह में पानी आ रहा है, तो खाने में कैसा लगेगा। उसके बाद हम प्लेट में साफ कर देंगे, देख रहे कितना औसम कलर लग रहा है, बहुत बढ़िया कलर। उसके बाद हमने उसका ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा प्याज डाल देंगे, कितना औसम लग रहा है। दोस्तों ऐसे नया नया वीडियो बनाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।